हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे आपके यूट्यूब चैनल स्टडी एग्ज़ाम में। तो हम आज साइंस पढ़ेंगे, साइंस में बायोलॉजी पढ़ेंगे। ये पूरी एनसीईआरटी पर आधारित रहेगा, ये पूरा एनसीईआरटी पर आधारित रहेगा बायोलॉजी। ये 9, 10, 11, 12 ये सभी मिक्सिंग रहेगा इसमें। इसमें हम आज पाचन तंत्र पढ़ेंगे, पाचन तंत्र के बारे में कुछ पढ़ेंगे। ये रेलवे, एसएससी और व्यापम के लिए बहुत आईएमपी रहेगा। तो चलो हम आगे देखते हैं। ये पाचन तंत्र है, ये पाचन तंत्र का ये डायग्राम है। ये पाचन तंत्र पहले कहाँ से स्टार्ट होता है? अपन मुँह से कुछ भी भोजन करते हैं तो पहले मुख में जाता है, मुख के बाद जाता है ये फिर ग्रास नली में जाता है। ग्रास नली के बाद ये डायरेक्ट कहाँ जाता है? ये आमाशय में जाकर यहाँ स्टोर होता है, यहाँ इसकी पाचन क्रिया होती है। यहाँ ये आमाशय है, फिर ये अग्नाशय इसके नीचे रहता है, ये अग्नाशय रस छोड़ता है। फिर अग्नाशय आमाशय के बाद ये डायरेक्ट छोटी आंत में जाता है, ये छोटी आंत है पूरी। फिर छोटी आंत के बाद ये बड़ी आंत में जाता है, यहाँ से फिर मलाशय बन के गुदा से निकल बाहर चला जाता है। तो चलो हम आगे देखते हैं। ये पाचन तंत्र, मानव पाचन तंत्र, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, मानव द्वारा ग्रहण किया गया भोजन कार्बोहाइड्रेट, वसा एवं प्रोटीन के बड़े अणुओं के रूप में होता है, जिन्हें शरीर उसी मूल रूप में अवशोषित करने के में सक्षम नहीं होता। इसीलिए शरीर में विभिन्न अंगों का एक जटिल समूह ठोस एवं अघुलनशील भोज्य पदार्थों को एंजाइमों, अम्लों एवं रासायनिक क्रियाओं के माध्यम से सरल, तरल एवं घुलनशील अणुओं में परिवर्तित कर अनु कर देता है कर देता है। इसके बाद देखो, भोजन के जटिल अणुओं को सरल अणुओं में परिवर्तित करने की यहाँ प्रक्रिया भोजन का पाचन कहलाती है, तथा इस प्रक्रिया को संपन्न करने वाले अंगों का समूह पाचन तंत्र डाइजेस्टिव सिस्टम कहलाता है। पाचन तंत्र कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, कार्बोहाइड्रेट को जब हम खाना खाते हैं तो वो कार्बोहाइड्रेट में बनता है, तो कार्बोहाइड्रेट को काय में बदलता है? ग्लूकोज में बदलता है। और वसा को काय में बदलता है? वसीय अम्ल में बदलता है। एवं प्रोटीन को अमीनो अम्ल में बदलता है। परिवर्तित करके इन्हें शरीर के लिए अवशोषण योग्य बनाता है। चलो फिर आगे देखते हैं। अध्ययन की दृष्टि से पाचन तंत्र को दो मुख्य भागों में विभाजित किया जाता है। पहला है आहार नाल। ये आहार नाल क्या कहलाता है? ये आहार नाल जो भोजन हम खाते हैं वो जहाँ जहाँ से होकर जाता है वो पूरा आहार नाल में आता है। और संबंध पाचन ग्रंथियाँ, जो पाचन ग्रंथियाँ की बात करो तो ये पाचन ग्रंथियाँ यहाँ ये काम करती है, जैसे कि ये जितना भी पाचन तंत्र होता है हमारा, तो उसमें ये कुछ हार्मोन्स निकालती है, तो हार्मोन्स या कुछ भी निकालती है उसको पाचन ग्रंथियाँ कहते हैं। तो चलो हम देखते हैं डायग्राम से। तो पाचन तंत्र, ये पाचन तंत्र है मानव पाचन तंत्र। पहला ये आहार नाल, दूसरा है संबंध पाचन ग्रंथि। पहला ये आहार नाल की बात करो तो एक गुहा होती है। सबसे पहले हम खाना खाते हैं तो कहाँ जाता है? मुंह से खाते हैं। फिर मुंह के बाद कहाँ जाता है? ग्रास नली में जाता है। ग्रास नली के बाद ये डायरेक्ट कहाँ जाता है? ये आमाशय में जाता है। आमाशय के बाद ये आंत में जाता है। ये मुंह की बात करो तो मुंह में पहले, सबसे पहले हम खाते हैं तो जीभ में जाता है, जीभ के बाद तालू में, फिर दांत में, फिर ग्रसनी में। फिर इधर देखो तो ये आंत,
आँत छोटी आँत में जाता है, ये छोटी आँत में ग्रहणी होती है, ये मध्यांत इलियम होता है, और फिर उसके बाद बड़ी आँत में जाता है, उंडुक होता है, बृहदान्त होता है, मलाशय होता है। फिर इसके बाद देखो हम संबंध पाचन ग्रंथियाँ, संबंध पाचन ग्रंथि की बात करो तो ये पहला लार ग्रंथि होती है, जो हमारे मुंह में लार निकलती है वो लार ग्रंथि होती है। फिर यकृत की बात करो, ये यकृत, यकृत भी कुछ हार्मोन छोड़ती है, और अग्नाशय ये भी कुछ हार्मोन छोड़ते हैं। ये पाचन ग्रंथि है जो खाना को पचाने का काम करती है। आगे देखते हैं हम, तो चलो हम देखते हैं आगे आहार नाल के बारे में पढ़ेंगे। अब इसके बाद आहार नाल के बारे में पढ़ेंगे। आहार नाल लगभग 6 से 9 मीटर लंबी होती है। एक कुंडलित एवं पेशीय नली है, जिसका विस्तार मुंह से गुदा तक होता है। आहार नाल संरचनात्मक एवं कार्यात्मक दृष्टि से निम्नलिखित अंगों में विभाजित होती है। ये आहार नाल अब देखो कितने भागों में ये विभाजित हुई है। पहला मुख गुहा में, फिर दूसरा ग्रसनी, पहले हम मुंह से खाते हैं, फिर उसके बाद ये ग्रसनी में जाती है, फिर ग्रसिका ग्रास नली, फिर उसके बाद ग्रसिका ग्रास नली में जाती है, उसके बाद आमाशय में जाती है, आमाशय के बाद आँतों में जाती है, छोटी आँत बड़ी आँत में, फिर मलाशय में जाती है, फिर गुदक द्वार से बाहर निकल जाती है। चलो फिर आगे देखते हैं, पाचन तंत्र का दूसरा महत्वपूर्ण घटक पाचन ग्रंथियां हैं, जो आहार नाल की विभिन्न संरचनाओं पाचन तंत्र के अंगों से संबंध रहती है। आहार नाल की भित्ति संरचनात्मक दृष्टि से 4 स्तरों से निर्मित होती है। प्रत्येक स्तर में भिन्न प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, जिसका संक्षिप्त वर्णन निम्नलिखित है। आहार नाल की भित्ति के प्रमुख स्तर म्यूकोसा या श्लेष्मा झिल्ली होती है, सब म्यूकोसा होता है दूसरा, तीसरा मस्कुलरिस एक्सटर्ना, चौथा होता है सेरोसा। स्तरित गुहा की सबसे आंतरिक परत म्यूकोसा या श्लेष्मल झिल्ली नम व घर्षण रहित अस्तारित उपकला है, जिसमें स्रवित व अवशोषण की विशेषताओं से युक्त कोशिकाएं पाई जाती है। म्यूकोसा के आधार पर कुछ आरेखित या चिकनी पेशियां स्थित होती है। फिर देखेंगे हम म्यूकोसा के ठीक बाहर सब म्यूकोशिका रुधिर लसिका व तंत्रिका युक्त मृदु संयोजी ऊतक होता है। सब म्यूकस के बाहर मर्कुलियस एक्सटर्ना नामक परत पाई जाती है, जो आंतरिक बरकुल शंक्वाकार पेशियों व बृहदायुदेर पेशियों की बनी होती हैं। आहार नाल की सबसे बाहरी परत को रेखीय स्तर या सेरोसा कहते हैं। म्यूकोसा लाखों बाला या अंगुलित प्रवर्तकों का बना होता है, जिन्हें अंगूर कहते हैं। ये आहार नाल गुहा की ओर फैले होते हैं। इन अंगूर रुधिर कोशिकाओं एवं लसिका वाहिनियों का जाल फैला रहता है। इसके अतिरिक्त अंकुर की सतह पर स्थित कोशिकाओं में असंख्य रोमयुक्त प्रबंधक होते हैं, जिन्हें सूक्ष्मांकुर कहते हैं। ये पोषक तत्वों के अवशोषण हेतु आहार नाल के पृष्ठीय क्षेत्र में और अधिक वृद्धि कर लेते हैं। म्यूकोसा की उपकला पर करोड़ों एक कोशीय श्लेष्मा ग्रंथियां पाई जाती हैं, जिन्हें श्लेष्मा या गोबलेट ग्रंथि कहते हैं। ये ग्रंथियां मुख्यतः श्लेष्मा का स्राव करती है, जो स्नेहक एवं रक्षक कार्य करती है, तथा उपकला सतह को नष्ट होने तथा पचने से सुरक्षित रखती है।
आप मुहु गुहा के बारे में पढ़ेंगे हम। मुख गुहा, मानव मुख गुहा दो भागों में विभाजित होता है। पहला मुख का अग्र भाग तथा मुख गुहा। मुख का अग्र भाग ओंठों, दांतों व गालों से घिरा होता है। मुख गुहा आहार नाल से प्रारंभिक भाग है जो दोनों जड़ों के मध्य स्थित एक छिद्रनुमा संरचना है। मुख गुहा में अंदर की ओर ऊपरी एवं क्षैतिज भाग को तालु प्लेट कहते हैं। तालु मुख गुहा तथा नासा गुहा को अलग करता है। तालु का भाग आगे का भाग अस्थियों से बने होने के कारण कठोर तालु, हार्ट पेटल्स एवं पृष्ठ भाग संयोजी उत्तक से निर्मित होने के कारण कोमल तालु कहलाता है। कोमल तालु के नीचे की ओर भी यू भी आकार की एक कोमल रचना पाई जाती है जिसे अहलिंजिहा कहते हैं। चलो दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे जीभ अथवा जिह्वा। जीभ अथवा जिह्वा के बारे में पढ़ेंगे। ये जीभ का डायग्राम है। इसमें चार स्वाद रहते हैं। पहला कड़वा स्वाद जो सबसे निचला रहता है, फिर खट्टा स्वाद ये बीचों बीच रहता है, ये नमकीन स्वाद भी बीचों बीच रहता है, और ये मीठा स्वाद सबसे नीचे रहता है। ये सबसे नीचे रहता है मीठा स्वाद, सबसे ऊपरी हिस्से में रहता है मीठा स्वाद। फिर उसके अंदर जाओ तो फिर थोड़ा सा नमकीन लगता है, फिर उसके अंदर जाता है तो फिर थोड़ा सा खट्टा लगता है, फिर उसके अंदर कड़वा जो सबसे लास्ट में होता है कड़वा। मुख गुहा की निचली सतह पर एक लंबी एवं मसाल संरचना होती है जिसे जीभ कहते हैं। जीभ का अगला भाग स्वतंत्र होता है जबकि पिछला भाग मुंह की सतह से जुड़ा होता है। जीभ अपनी पेशियों की क्रियाशीलता के द्वारा भोजन को चबाने एवं निगलने के साथ साथ बोलने में भी सहायता करती है। संपूर्ण जीभ पर एक विशिष्ट प्रकार की संवेदी संरचनाएँ पाई जाती है जिन्हें स्वाद कर्णिकाएँ कहा जाता है। स्वाद कर्णिकाओं में स्वाद ग्राहक कोशिकाएं स्थित होती है जो व्यक्ति को भोजन के विविध स्वादों का अनुभव कराती है। जीभ के सबसे पिछले भाग पर कड़वे स्वाद का, मध्य के किनारे के भाग पर खट्टे स्वाद का, आगे के किनारों पर नमकीन स्वाद तथा सबसे आगे के भाग पर मीठा स्वाद होता है। अब हम मानव दांत के बारे में पढ़ेंगे। दांत मुंह जबड़ों में स्थित छोटे कठोर एवं सफ़ेद रंग की संरचना है जो प्राणियों में पाई जाती है। दांत भोजन को काटने का कार्य करते हैं। अब देखो हम आगे चलते हैं। चबाने के काम करते हैं दांत हमारे। कुछ पशु विशेष मांस पक्षी शिकार एवं रक्षा करने के लिए भी दांतों का उपयोग करते हैं। दांतों की जड़ें मसूड़ों से ढकी होती है। दांत अस्थियों हड्डियों के नहीं बने होते बल्कि ये अलग अलग घनत्व वाले कठोर ऊतकों से बने होते हैं। मनुष्य के दांत दो बार निकलते हैं, एक होता है अस्थाई दांत व एक होता है स्थाई दांत। स्थाई दांत तीन प्रकार के और स्थाई दांत चार प्रकार के होते हैं। मनुष्य के अस्थाई दांत 20 होते हैं। मनुष्य के अस्थाई दांत कितने होते हैं? जो 20 होते हैं, जो छोटे बच्चों में पाए जाते हैं। इनमें चवर्णक के स्थान के आगे चलकर अग्र चवर्णक ले लेते हैं। इनमें चार छोरों पर स्थित अंतिम चवर्णक को अक्ल या बुद्धि दांत भी कहते हैं।
मनुष्य के प्रत्येक जबड़े ऊपरी एवं निचले में 16 दांत होते हैं जो आंटा की दोनों पंक्तियों में समान रूप से लगे रहते हैं। स्थायी दांत 4 प्रकार के होते हैं, ये कृतनक, रदनक, अग्रचवर्णक तथा चवर्णक। पहला है ये कृतक। 4 कृतक दांत की ऊपरी जबड़े में तथा 4 कृतक दांत निचले जबड़े में सामने की ओर स्थित होते हैं। चलिए इसको हम थोड़े टाइम बाद डायग्राम से पढ़ेंगे। इनका आकार छेनी के समान चपटा एवं धारदार होता है, इसीलिए ये दांत भोजन को काटने का कार्य करते हैं। रत्नक, ऊपरी तथा निचले जबड़े में 2-2 रत्नक दांत पाए जाते हैं। इनका आकार नुकीला होता है, यहाँ भोजन को चबाने फाड़ने का कार्य करते हैं। अब ये डायग्राम के हिसाब से हम पढ़ेंगे। ये 2 यहाँ के 2 हो गए, ये 2 और ऊपर के 2 और ऊपर के 2-2 4, ये इस प्रकार से ये 8 दांत हो जाते हैं। कृतघ्न दांत कितने होते हैं? 8 दांत होते हैं। रदनक के कितने हो गए? अभी ये 1 है, एक साइड का। अभी हम एक साइड का भाग देखेंगे, तो इधर साइड का भाग और इधर साइड के भाग एक एक कितने हो जाएंगे? 2 और ऊपर साइड के एक एक, तो ये रदनक 4 होते हैं कुल। ये अग्रचवर्णक कौन से होते हैं? ये 14 नंबर और ये 5वां नंबर। इधर साइड भी ये 14 नंबर, ये 5वां नंबर। ये 2, 2 × 4 और ऊपर 4, ये भी 8 होते हैं, 8 होते हैं। फिर चवर्णक कितने होते हैं? ये 6 होते हैं। ये 6वां, 7वां और ये 8वां। तो यहाँ पे ये हो गए ये 3, यहाँ पे ये हो गए 3, 3 × 6 हो गए और 6 ऊपर, ये 12 होते हैं। टोटल कितने होते हैं? 12 होते हैं। मानव के पूरे टोटल कितने दांत होते हैं? ये 32 दांत होते हैं। ये जबड़े का ढांचा भी बनाते हैं। अब चवर्णक के बारे में पढ़ेंगे, अग्रचवर्णक के बारे में पढ़ेंगे। प्रत्येक जबड़े के आधे भाग में 2 अग्रचवर्णक पाए जाते हैं। ये आकार में चौड़े होते हैं जो भोजन को काटने व तोड़ने का कार्य करते हैं। चलो आगे देखते हैं। 14 नंबर चवर्णक दांत, इसकी संख्या ऊपरी तथा निचले जबड़े में 4-4 प्रकार की होती है। ये आकार में अपेक्षाकृत अधिक चौड़े होने के कारण भोजन को पीसने तथा चाबने का कार्य करते हैं। प्रत्येक जबड़े के अंतिम चवर्णक को बुद्धि दांत कहते हैं। ये कृत्रिम दांत के बारे में हम देखेंगे। ये हमारे दांत टूट जाते हैं तो उसको जो नकली दांत लगाते हैं तो उसके बारे में पढ़ेंगे। दांत गिर जाने, दंत क्षय के पश्चात उसके स्थान पर कृत्रिम दांत लगाए जा सकते हैं। कृत्रिम दांत दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है पूर्ण दांत, दूसरा होता है दंत शिखर। नकली दांत बनाने का प्रचलन बहुत प्राचीन है, बहुत प्राचीन काल से ये आ रहा है नकली दांत बनाने का। सबसे पहले अस्थि, हाथी दांत, हिप्पो या आदमी के दांत को सोने या चांदी के दांत के आधार पर बैठाकर लगाते थे। 18वीं शताब्दी से पोर्सिलेन के दांतों का प्रचलन प्रारंभ हुआ। वर्ष 1860 में आधार हेतु बल्कनाइज्ड रबड़ का प्रयोग होने लगा। वर्तमान में कृत्रिम दांत एक्रेलिक, रेनिन व प्लास्टिक के द्वारा बनाए जाते हैं। मानव दांत की संरचना देखो, आप संरचनात्मक दृष्टि से मानव दांत को 3 प्रमुख भागों में विभाजित किया जाता है, जिसका संक्षिप्त विवरण निम्नलिखित है। मानव दांत की आंतरिक संरचना के बारे में देखेंगे हम।
ये हमारा सबसे ऊपर पाया जाता है, जो सफ़ेद सफ़ेद रंग होता है वो इनेमल, इनेमल के बना होता है, इसे हम इनेमल कहते हैं। फिर थोड़ा अंदर की स्थिति को कहेंगे तो ये डेंटिन है ये। फिर उसके बाद और अंदर का देखेंगे ये, तो ये अस्थि मज्जा है। फिर ये ऊपर की ये परत चढ़ी होती है जिसे मसूड़े कहते हैं, मसूड़े कहते हैं। फिर उसके बाद अंदर की जो नसें होती हैं रूट कैनाल कहते हैं, और ये उसकी अस्थियाँ हैं, उसकी अस्थियां हैं। अब उसके बाद देखेंगे ये अंदर की जो नसें होती हैं उस सीमेंट्स सीमेंटम कहते हैं, और ये अंदर की ये नसें तंत्रिका तंत्र एवं रक्त वाहिनियाँ, इनसे रक्त जाता है इधर, ये रक्त की ये नसें फैली हुई हैं। ये तीन भागों में पाया जाता है। सबसे ऊपरी पार्ट जो भार भार रहता है उसे हम क्या कहते हैं, शिखर कहते हैं। फिर थोड़ा अंदर का भाग होता है उसे ग्रीवा कहते हैं, और सबसे अंदर का भाग होता है इसे हम जड़ कहते हैं। चलो आगे देखते हैं। शिखर, पहला आ गए हम शिखर में। शिखर दांत का वहाँ भाग जो मसूड़े के ऊपर निकला होता है शिखर कहलाता है। यहाँ भाग शेष दांत से चौड़ा होता है। शिखर में तीन भाग होते हैं, एनाटॉमिकल क्राउन, इनेमल तथा डेंटिन। एनाटॉमिकल क्राउन दांत का सबसे ऊपरी भाग है। इनेमल दांत की सबसे बाहरी परत होती है जो कि मानव शरीर का सबसे कठोर ऊतक है। यहाँ दांतों को जीवाणुओं एवं भोजन खाने से पकड़ने वाला दबाव से सुरक्षा प्रदान करता है। यहाँ डेंटिन डेंटिन है। चलो आगे देखते हैं। नमक परत इनेमल के नीचे स्थित होती है। यहाँ शिखर से जड़ तक विस्तृत वो होती है जो कि ठंडे एवं गर्म पदार्थों से दांतों की सुरक्षा करती है। अब दूसरा हो गया ये ग्रीवा, ये थोड़ा अंदर की ओर रहता है। ग्रीवा दांत के शिखर एवं जड़ के मध्य में स्थित होता है, ग्रीवा कहलाता है। इसके मुख्यतः तीन भाग होते हैं, पहला है मसूड़ा, दूसरा है मज्जा, तीसरा है मज्जा गुहा। फिर है मसूड़े मौसल एवं सामान्य गुलाबी रंग के संयोजी ऊतक हैं जो दांत की ग्रीवा से संबंधित होते हैं। अब हम देखेंगे मज्जा, दांतों का सबसे आंतरिक भाग है जो सूक्ष्म रक्त वाहिकाओं से निर्मित होती हैं। जड़ तीसरा है, ये जड़ वाला हिस्सा जो अंदर की ओर धंसा होता है। जड़ दांत के लगभग दो तिहाई भाग का निर्माण करती है। यहाँ अस्थि तक विस्तृत वो होती है तथा दांत को अपने स्थान पर स्थित रखती है। जड़ के निम्नलिखित भाग होते हैं, पहला रूट कैनाल, यहाँ मार्ग जिसमें मज्जा स्थित होती है रूट कैनाल कहलाती है। सीमेंटम, यहाँ अस्थि जैसी संरचना होती है जो दांत दांत की जड़ जड़ को आंतरित प्रदान करती है इसके बाद तंत्रिका एवं रक्त वाहिका, तंत्रिकाएं भोजन चबाने के दौरान लगाए जाने वाले बल को नियंत्रित करती है, जबकि रक्त वाहिका पोषण प्रदान करती है। चलो आगे देखते हैं। जबड़े की अस्थि, इसे वायुकोषीय अस्थि भी कहा जाता है। इसमें दांतों के ढांचे स्थित होते हैं। यहाँ अस्थि दांत की जड़ से घिरी रहती है। यहाँ दांतों के अपने स्थान पर स्थित रहती है। अब हम ग्रसनी के बारे में पढ़ेंगे। यह ग्रसनी भी बहुत IMP टॉपिक है। मुख गुहा के बकल कैविटी का पिछला भाग ग्रसनी कहलाता है। यहाँ लगभग 12 सेंटीमीटर लंबी संरचना होती है जिसमें भोजन निगलने तथा सांस लेने के लिए दो समान मार्ग या छिद्र होते हैं।
ग्रसनी से निगल द्वार ग्रास नली में तथा कर्ण द्वार श्वास नली में खुलता है खुलता है। कर्ण द्वार से आगे की ओर एक चपटी संरचना पाई जाती है जिसे एपिग्लोटिस एपिग्लोटिस कहते हैं। भोजन निगलते समय यहाँ कर्ण द्वार को ढक लेती है जिससे भोजन श्वास नली में नहीं जा पाता। ग्रास नली ये ग्रास नली मांसपेशियों से निर्मित 9 से 10 इंच लंबी होती है जो ग्रसनी के निचले भाग से प्रारंभ होकर आमाशय तक जुड़ी होती है। ग्रास नली लार युक्त भोजन को निगल द्वार से प्राप्त करती है। इसकी दीवार संकुचनशील व पेशीय होती है। इसमें स्तरित स्वैस्मस एपिथिलियमस पाई जाती है जो भोजन के ग्रास नली में पहुंचते ही फैलने व सिकुड़ने लगती है। इसे क्रमाकुचन कहते हैं। इसी प्रक्रिया के कारण ही भोजन ग्रास नली से आमाशय में पहुंचता है। ग्रास नली व आमाशय के मध्य एक बॉल्व स्थित होता है पाया जाता है जो भोजन को पुनः ग्रास नली में वापस जाने से रोकता है। ग्रास नली किसी भी प्रकार की पाचन क्रिया में भाग नहीं लेती। यहाँ केवल भोजन को आमाशय तक पहुँचाती है। ग्रास नली में पाचन ग्रंथि नहीं पाई जाती है बल्कि इसमें केवल श्लेष्म ग्रंथि पाई जाती है। क्रमांकुचन यहाँ पाचन प्रक्रिया की महत्वपूर्ण प्रक्रिया है क्योंकि भोजन को पाचन नलिका में सुगमता से गमन हेतु यहाँ आवश्यक है। जैसे भोजन को ग्रास नली से पेट में ले जाने हेतु पेट से भोजन को छोटी आंत में ले जाने हेतु यहाँ वहाँ से बड़ी आंत फिर बृहदान्त्र तथा वहाँ से गुदा तक ले जाने हेतु आवश्यक कार्य करती है। ये क्रमांकुचन पेशियाँ सामान्यतः अवस्था में होती है। ये भोजन पदार्थ हैं ये संकुचित पेशियाँ हैं। ये संकुचित पेशियाँ होकर यहाँ आमाशय में आ जाती है। आमाशय हैं ये। अब आमाशय के बारे में पढ़ेंगे। आमाशय उदर गुहा में बाईं ओर स्थित होता है। ये शरीर के कौन सी ओर बाईं ओर स्थित होता है। एक खोखली दुपालिका थैली जैसी संरचना होती है। इसकी लंबाई 30 सेंटीमीटर करीबन होती है। आमाशय का अग्रभाग कार्डियक तथा पिछला भाग पायरोलिक कहलाता है। कार्डियक और पायरोलिक के मध्य का भाग फुंडलित कहलाता है। आमाशय की भीतरी दीवारें स्तंभकार एपिथीलियम कोशिकाओं से निर्मित होती है। कोशिकाओं का यहाँ स्तर जगह जगह अंदर की ओर धंसा रहता है। इसे इन धंसे भागों की कोशिकाएं जठर ग्रंथि का निर्माण करती हैं। ये ग्रंथियां आमाशय में जठर रस का स्राव करती है। श्लेष्म कला के बाहर का भाग अधोश्लेष्म कला कहलाता है। इसमें रक्त वाहिकाएं के रूप में सिराएं स्थिर होती हैं। अधोश्लेष्म कला के बाहर तीन स्तर में अनैच्छिक पेशी तंतु स्थित होते हैं। आंतरिक तंतु निर्यातक दिशा में एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर गतिशील दिखाई पड़ते हैं। इसके बाहर वृत्ताकार तंतुओं का एक स्तर होता है जो आमाशय को चारों ओर से घेरे रखता है। इस स्तर से बाहर पेशीय तंतु
लंबवत दिशा में गतिशील दिखाई पड़ते हैं। इन तीनों स्तरों द्वारा आमाशय के भीतर स्थित भोजन पूर्णतः मिश्रित हो जाता है। ये महत्वपूर्ण तत्व देख लो इसके। आमाशय में कार्बोहाइड्रेट का अपघटन नहीं होता, बल्कि प्रोटीन का अपघटन होता है। पेप्सिन एंजाइम द्वारा आमाशय की दीवार का आंशिक पाचन अल्सर कहलाता है। आमाशय में लुगदी समान भोजन काइम कहलाता है। जो आमाशय के अंदर जो द्रव पदार्थ होता है उसे हम क्या कहते हैं, काइम कहते हैं। अब हम देखेंगे जठर रस में हाइड्रोकार्बोलिक अम्ल श्लेष्मा तथा निष्क्रिय पेप्सिनोजेन होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निष्क्रिय पेप्सिनोजेन को सक्रिय पेप्सिन में परिवर्तित कर देता है, जो प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जीवाणुनाशक का भी कार्य करता है। श्लेष्मा का स्राव श्लेष्म कोशिकाओं से होता है। यहाँ आमाशय की कोशिकाओं को हाइड्रोकार्बोनेट अम्ल पेप्सिन से सुरक्षित रखता है। अब हम आंत के बारे में पढ़ेंगे। आंत छोटी आंत होती है, बड़ी आंत होती है। मनुष्य के शरीर में आंतों की दो संरचनाएं पाई जाती हैं, जिन्हें छोटी आंत एवं बड़ी आंत कहते हैं। इनकी संरचना तथा पाचन तंत्र में इसकी भूमिका का संक्षिप्त वर्णन निम्नवत है। पहला है छोटी आंत। छोटी आंत आमाशय से छोटी आंत के बीच पायरोलिक जो बल्ब होता है, पायरोलिक बल्ब होता है नामक एक पेशीय कपाल जैसी संरचना पाई जाती है। यहाँ 6 से 7 मीटर लंबी होती हैं, जो भोजन को आमाशय से छोटी आंत की ओर जाने देती है, परंतु उसे वापस आमाशय में नहीं जाने देती। छोटी आंत के प्रमुख भाग देखेंगे। पहला है ग्रहणी, दूसरा मध्यांश, दूसरा श्वसांत। ग्रहणी के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ अंग्रेजी के यू आकार की मुड़ी हुई संरचना ग्रहणी व आमाशय के जॉइंट के पास अग्नाशय पैनक्रियास स्थित होता है। ग्रहणी की दीवारों पर ग्रहणी ग्रंथियाँ या बार्नस ग्रंथियाँ पाई जाती है, जो क्षारीय श्लेष्मा का स्राव करती है। अब हम बहुत आईएमपी हार्मोन्स के बारे में पढ़ेंगे। ये छोटी आंत के द्वारा जो हार्मोन्स स्रावित होते हैं वो पढ़ेंगे। पहला है सिक्रेटिन। सिक्रेटिन यहाँ ग्रहणी की एस कोशिकाओं द्वारा स्रावित होता है और अग्नाशय रस के श्रावण को प्रेरित करता है। फिर दूसरा हार्मोन देखेंगे। दूसरा हार्मोन है कोलीसिस्टोकाइनिन। इसे पेंक्रियोजाइमिन भी कहा जाता है। यहाँ अग्नाशय रस के श्रावण को संकुचित करके उसमें उपस्थित रस को छोटी आंत में प्रवेश करने में सहायता करता है। तीसरा है गैस्ट्रिक रस। यहाँ एक पेप्टाइड हार्मोन्स है, जो आमाशय की जी कोशिकाओं ग्रहणी तथा अग्नाशय के द्वारा स्रावित किया जाता है। गैस्ट्रिक अम्ल हाइड्रोलिक अम्ल के स्राव को प्रेरित करता है। फिर चौथा है मोलिटिन। यहाँ हार्मोन्स आंत की एम कोशिकाओं द्वारा स्रावित होता है, विशेष रूप से ग्रहणी एवं मध्यांश में। यहाँ पेप्सिन के स्राव को प्रेरित करता है। फिर हम देखेंगे पांचवा हार्मोन्स है
एंट्रोगेस्ट्रॉन यहाँ आमाशय या छोटी आंत में बस ये भोजन पहुँचाता है, तो ग्रहणी की श्लेष्मा झिल्ली के द्वार एंट्रोगेस्ट्रॉन हार्मोन्स का स्राव किया जाता है। यहाँ जटर ग्रंथियों से होने वाले स्राव को नियंत्रित करता है। अग्नाशय वाहिनी एवं पित्त वाहिनी एक साथ मिलकर सामान्य वाहिनी का निर्माण करती है जो ग्रहणी में खुलती है। मध्यांत यहाँ छोटी आंत का मध्य भाग है जो ग्रहणी तथा शुद्रांत के मध्य में स्थित होता है। यहाँ लगभग 2.5 मीटर लंबी होती है। ये 4 सेंटीमीटर मोटी कुंडलित नलिका है। इसका निर्माण 4 पृथक उत्तकों संस्तरों से होता है। पहला है श्लेष्मक स्तर, दूसरा है उपश्लेष्मिक स्तर, तीसरा है मस्कुलेरिस, चौथा है सेरोसा। आंशिक रूप से पचा हुआ भोजन जिसे काइम कहा जाता है ग्रहणी से मध्यांश में प्रवेश करता है और मांसपेशियों के संकुचन से मिश्रित होता है। मध्यांत की कुंडलित संरचना रचना इसकी आंतरिक भित्ति के पृष्ठीय क्षेत्र में वृद्धि करती है ताकि भोजन में उपस्थित पोषक पदार्थ का अधिकतम अवशोषण किया जा सके। फिर तीसरा है शेषांग, यहाँ छोटी आंत का सबसे अंतिम भाग है जो शेष 2 भागों से अधिक लंबा लगभग 3.5 मीटर होता है। मध्यांत्र से पचे हुए पोषक पदार्थ शेषांग में अवशोषित होता है। शेषांग में पाचन की प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात भोजन का बचा हुआ भाग बड़ी आंत में प्रवेश कर जाता है। इसके बाद छोटी आंत में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा का पूर्ण रूप से पाचन हो जाता है। छोटी आंत पचे हुए पोषक पदार्थों को अवशोषित करके इन्हें रुधिर एवं लसिका में मिश्रित करती है। बड़ी आंत, अब बड़ी आंत के बारे में पढ़ेंगे। छोटी आंत की तुलना में बड़ी आंत अधिक चौड़ी परंतु लंबाई में छोटी होती है। एक वयस्क मनुष्य की बड़ी आंत की लंबाई लगभग 1.5 मीटर, चौड़ाई 6.7 सेंटीमीटर होती है। बड़ी आंत मुख्यतः 2 कार्य संपन्न करती है। पहला है जल का अवशोषण करना, दूसरा है अपचित भोजन को शरीर से बाहर निकालना। दूसरा काम है इसकी बड़ी आंत में तीन प्रमुख भाग है। ये भाग देख लो, तीन कौन कौन से हैं। पहला है उंडुक, दूसरा है बृहदान्त्र, तीसरा है मलाशय। चलो अब आगे देखते हैं एक एक से उनको। पहला है उंडुक तथा सीकम। सीकम 6 सेंटीमीटर लंबी थैली जैसी संरचना होती है। इसकी दीवार पर श्लेष्मिक रस ग्रंथियां पाई जाती हैं। सीकम के एक सिरे पर 8 सेंटीमीटर लंबी एक संरचना पाई जाती है जिसका एक सिरा बंद होता है। यहां एक अवशेषी अंग है जिसे कृमि रूप परिशेषिका कहते हैं। मनुष्य के शरीर में अपेंडिक्स का कोई कार्य नहीं होता परंतु पशुओं में यहाँ पाचन क्रिया में सहायक होती है। चलो बड़ी आंत की कुछ पिक्चर देख लेते हैं। अनुप्रस्थ बृहदान्त्र ये है, और फिर ये वाला भाग को आरोही बृहदान्त्र कहते हैं, ये अवरोही बृहदान्त्र कहते हैं, ये उंडुक है, ये उंडुक के बाद ये मलाशय है।
चलो आगे देखते हैं अब। बृहदान्त्र, यहाँ बड़ी आंत का सबसे लंबा भाग है जो लगभग 1.3 मीटर लंबा नलिका के रूप में होती है। इसकी आकृति उल्टे यू के समान होती है। संरचनात्मक दृष्टि से यहाँ 3 भागों में विभाजित होती है। बृहदान्त्र के भाग, पहला अवरोही कोलन, दूसरा अनुप्रस्थ कोलन, तीसरा है अवलोही कोलन। अब अवरोही कोलन देखेंगे, मलाशय में खुलता है जो मलद्वार के रूप में शरीर के बाहर खुलता है। इलियम तथा कोलन के जोड़ पर इलियो सिकल बल्ब उपस्थित होता है जो भोजन को वापस छोटी आंत में जाने से रोकती है।